नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। सेना प्रमुख की पाक को चेतावनी, यदि आतंक को समर्थन जारी रहा तो करेंगे बल प्रयोग। भारतीय सेना के 27वें प्रमुख बने जनरल बिपिन रावत ने साफ कर दिया है कि यदि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तो सेना के बल प्रयोग की रणनीति बेहद साफ होगी। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के पास सर्जिकल स्ट्राइक से भी कहीं ज्यादा प्रभावी रास्ते हैं, जिनसे ऐसा ही संदेश उन्हें दिया जा सकता है। यदि दुश्मन आतंकवाद को समर्थन देना जारी रखता है तो हम अपनी जरूरतों के हिसाब से बल प्रयोग का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सरकार ने भी सेना को खुली छूट दी है। उन्होंने पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में कहा कि हम दोनों एक दूसरे की क्षमताओं को समझते हैं और इसी संदेश के साथ दोनों आगे बढ़ें तो शांति रहेगी। हाल ही में हुए सेना के बेस कैंप्स में हमले के सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में आतंकवादी हमलों के अपने तरीके बदल रहे हैं, लेकिन खुद को उनसे बचाने के लिए हमें उनसे आगे सोचना होगा। ये सोचना होगा कि आतंकवादियों का अगला कदम क्या होगा। इससे पहले रावत ने साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद कहा कि उनकी सेना पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, जहां तक सशस्त्र बलों का सवाल है, हमें दो मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार रहने का जिम्मा सौंपा गया है। मेरा ख्याल है कि राजनीतिक पदानुक्रम के हिसाब से हमें जिस तरीके से भी ऐसा करने को कहा जाएगा, हम उस कार्य को करने में सक्षम हैं। सेना प्रमुख ने चीन के साथ सहयोग करने की बात पर बल दिया और कहा कि संभव है कि अंतरिक्ष, आर्थिक विकास, समृद्धि जैसे कुछ क्षेत्रों में हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हों, लेकिन ये सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, न कि टकराव पर। और अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नववर्ष पर बेंगलुरु में महिलाओं से छेड़छाड़, गृह मंत्री ने कहा आम बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव में धर्म और राजनीति के नाम से वोट मांगना गैर कानूनी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। ब्राजील की जेल में दंगे, अफसरों समेत 60 लोगों की मौत। पाकिस्तान में हिंदू विवाह अधिनियम पर सीनेट की मुहर।